हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उनके अंतर्गत हमने काफ़ी मूवमेंट्स के बारे में देखा था, कुछ बेसिक भी देखे थे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने डिफरेंट मूवमेंट के बारे में देखा। हमें मेन यहाँ पे क्या पता चलता है कि ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है इंडिया के अंदर और वो एजुकेशन यहाँ पे अपने वाली एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। उससे हमारे जो कुछ रिफॉर्मर थे, कुछ को क्रांति आती है, कुछ को समझ आता है कि हमारे जो सोशल सिस्टम है उसमें क्या कमियाँ हैं। ब्रिटिशर्स हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझ आता है। कुछ जो था जो रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है लेजिस्लेटिव, उनका जवाब देने के लिए खुद ही रिफॉर्म करने लगते हैं अपने रिलीजन में। अभी तक के अनुसार हमने क्या चीज़ें देख ली थी, हमने देख लिया था कि हमारे रिलीजन के अंदर में, हमारी सोसाइटी के अंतर्गत जब क्रिश्चियन मिशनरी की एंट्री होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए उसको सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं और उससे प्रभावित होकर कुछ हमारे पर्सन जो हैं वो उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। या तो उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे या तो फिर उसके कुछ आइडियाज़ को लेने की कोशिश करेंगे कि उसके कुछ आइडियाज़ को लेके थोड़ा, मतलब जैसे वो बोलेंगे कि इंडिया के अंदर आइडोलेट्री है, ये मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, तो ये तो मतलब काफ़ी गलत बात है। उसको लेके हमारे क्या हुआ, राजा राम मोहन राय, उनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने बोला आइडोलेट्री तो बेकार है, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में जो हमारी स्टार्टिंग के अंदर जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसके उनके अंतर्गत मैंने आपको बताया ब्रह्म समाज, हमारा प्रार्थना समाज उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है साल के, जैसे हमारी 19th सेंचुरी ओवर होने वाली होती है ये भी मतलब एक तरीके से इनकी होप खत्म होने लगती है, ये उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती क्योंकि हमारे मासेस जो थे इनके लिए प्रिपेयर नहीं थे। और मतलब एक तरीके से ये रिएक्शन था, क्रिश्चियनिटी की एंट्री होती है और उसके बाद में रिएक्शन था, ये मतलब उतनी मैच्योर नहीं बोल सकते आप, कुछ चीज़ें इनके अंदर में इमैच्योर थी। क्रिश्चियनिटी के अंदर बोला गया कि आपको जो है एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, तो इनके द्वारा मान लिया गया कि हाँ एक ईश्वर, हम तो बहुत ज़्यादा ईश्वर की पूजा करते हैं, तो ये तो नेगेटिव चीज़ है। उनके द्वारा बोला गया आइडोलेट्री, मूर्ति की पूजा गलत है, तो ब्रह्म समाज में क्या बोला कि मूर्ति की पूजा गलत है। नीचे प्रार्थना समाज ने क्या बोला, मूर्ति की पूजा गलत है। तो ये मतलब उन्हीं चीज़ों को मान के उन्हीं को आगे लेके जा रहे हैं। फिर नीचे आर्य समाज, आर्य समाज ने वैदिक लिटरेचर का सहारा लिया और उन्होंने भी बोला कि मूर्ति पूजा गलत है, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब जो सोसाइटी के अंदर प्रीवलेंट है, अब इतने सारे लोग आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी मूर्ति पूजा करते हैं, तो उस टाइम जो था ये एक तरीके से रिएक्शन था, उनको रिएक्शन दे रहे थे। कुछ चीज़ें इसमें पॉजिटिव थी जिनकी विरोध कर रहे थे, कास्ट वाला सिस्टम है उसका विरोध कर रहे थे, वुमेन की कंडीशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हमारी एक मोनोथिज्म की बात कर रहे थे, आइडोल वर्शिप की बात कर रहे थे, मतलब उसके लिए उतना लॉजिक नहीं बन रहा था उस टाइम के हिसाब से। वो एक रिएक्शन के तौर के ऊपर, क्रिश्चियन मिशनरी के रिएक्शन के तौर के ऊपर, उनसे सीख के हमारे वेस्टर्न से जो इन्फ्लुएंसर थे उनके द्वारा उन चीज़ों को प्रमोट किया गया, तो वो फिर हमारे उतने सक्सेसफुल नहीं रह पाते जो हमारे जिनकी रूट्स जो थी, जो रिफॉर्म जिनकी रूट्स इंडिया के टैक्स से नहीं आती, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते और वो मूवमेंट नीचे ख़त्म हो जाती हैं 40-50 साल के अंदर। लेकिन एक और मोमेंट इसके अंतर्गत आएगी, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इनको आप बोल सकते हो कि एक मैच्योरिटी की जो स्टेज आएगी हमारे रिफॉर्म की, मतलब अब हमें पता है कि स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मतलब जितना उनको एडमायर किया गया हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा उतना किसी भी पर्सनैलिटी को नहीं किया गया, और रामकृष्ण परमहंस जी इनके विचारों को से इन्फ्लुएंस थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी, तो मतलब ये एक मैच्योरिटी लेके आए हमारी सोशियो रिलीजियस जो मूवमेंट थी उनके अंदर एक मैच्योरिटी लेके आए, और ये कोई रिएक्शन के तौर के ऊपर नहीं खड़ा हुआ था कि रिएक्शन दिया क्रिश्चियन मिशनरीज को, बट ये एक मैच्योर किस्म की थी। और जो रामकृष्ण परमहंस थे इनके द्वारा क्या बोला गया कि ये जो हमारी मूवमेंट चल रही है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ये जो है एक जो इलीट वर्ग है हमारा, क्योंकि जो भी थे राजा राम मोहन राय, मतलब वो अंग्रेज़ों के साथ में काम कर चुके थे वहाँ पे, वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे, तो ऐसी कंडीशन, मतलब जो मूवमेंट चल रही है वो इलीट काइंड की मूवमेंट चल रही है, उनका मासिस के साथ में कनेक्शन नहीं है। मासिस जो है वो मूर्ति पूजा की बात करते हैं, वो पूजा करते हैं उसकी, आप बोल रहे हो कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मतलब आप कॉन्टैक्ट जो है एक जनता से वो आपका मिसिंग है। अब उनको जो है इनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और ये जो होते हैं ये हमारे प्रीस्ट होते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है, और इनके विचारों को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी मैच्योर और आज के टाइम से भी काफ़ी रिलेवेंट दिखेंगे आपको। जैसे द टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है 1834 में और 86 तक ये जिंदा रहते हैं, और ये पुअर प्रिस्ट होते हैं, कहाँ पे, काली टेम्पल के, दक्षिणेश्वर के काली टेम्पल कलकत्ता के अंदर जो है वहाँ पे काली माता के भक्त होते हैं, ठीक है, तो प्रिस्ट होते हैं ये, और ये रामकृष्ण मूवमेंट जो थी इनके विचारों से आगे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी भी इनको प्रचार करते हैं इनका, ठीक है। तो इनके जो थे दो ऑब्जेक्टिव थे, टीचर टू स्प्रेड मैसेज एंड फिलेंथ्रोपिक एंड चैरिटेबल वर्क,
मतलब आपने क्या करना है, एक तो ये रिफॉर्म करना चाहते थे सोसाइटी में, और रिफॉर्म के अंतर्गत भी एक तो लोगों को समझाना चाहते थे अपना मैसेज, और दूसरा क्या करना चाहते थे, एक लोगों की भलाई का काम करना चाहते थे, चैरिटेबल वर्क। अब इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा जब आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखोगे कि रामकृष्ण मूवमेंट जो है वो काम क्या करती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सेल्वेशन जो मुक्ति मिलेगी वो ट्रेडिशनल वे से, अब पुराने वाले क्या बोल रहे थे, इंटेलेक्चुअल सोचो, वो वेस्टर्न जो हमारी थिंकिंग थी उससे इन्फ्लुएंस थे, आर्य समाज हमारा वैदिक लिटरेचर की बात कर रहा था, वहाँ से रिवाइव करने की बात कर रहा था उस सिस्टम को, वो हमारे ब्रह्म समाज जैसे वो इंटेलेक्चुअल काइंड की बातें कर रहे थे, ये तो गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, आपको आइडल की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत बात है, इस टाइप की चीज़ें बोल रहे थे, मतलब इंटेलेक्चुअल, वो एक ऐसी क्लास को कैटर करने की कोशिश कर रहे थे जो एक एजुकेटेड वाली थी, इसीलिए उनके फॉलोअर उतने ज़्यादा नहीं बन पाए। बट ये क्या कर रहे थे, ये ट्रेडिशनल मेथड से बोल रहे थे कि आपको सेल्वेशन ट्रेडिशनल मेथड से भी मिल सकता है, मतलब एक काफ़ी लिबरल जिसको बोल सकते हो कि एक काफ़ी एडवांस वे में थिंकिंग थी इनकी। इन्होंने बोला रिनन्सिएशन, चीज़ों को छोड़ के व्रत उपवास करके मेडिटेशन करके भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है सेल्वेशन। अब ऐसा नहीं उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल कैपेबल बनना पड़ेगा, मतलब हिंदुइज्म की अगर बात करेंगे तो हिंदुइज्म में हमारे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट हैं और उनमें अलग अलग तरीके से मुक्ति की बातें की गई हैं, मतलब जैसे अगर गीता की बात करेंगे तो उसमें हमारा एक तो नॉर्मल आ जाएगा जिसमें मतलब योगी वगैरह अपने ज्ञान योग से रिनन्सिएशन सॉरी सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा उसमें कर्मयोग भी आएगा अर्जुन जैसे जो मतलब जिनको डे टू डे लाइफ के अंदर में डील करना पड़ता है, ठीक है। मतलब हिंदुइज्म में अलग अलग टेक्स्ट में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मतलब एक काफ़ी लोअर तबके का जिसको कुछ भी समझ नहीं आता उसके लिए भक्ति का निर्माण किया गया है कि वो सिर्फ भक्ति से सेल्वेशन प्राप्त कर सकता है। तो मतलब उसी तरीके से इनके द्वारा बोला गया कि जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें इनके द्वारा बोली जा रही हैं अब ये करेक्ट नहीं है, आप काफ़ी तरीके हैं भगवान को पाने के, ठीक है। और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया फंडामेंटल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। अब हो क्या रहा था यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी बोल रही थी हम सुपीरियर हैं, हमारे वाले जो आ रहे थे वो क्रिश्चियनिटी से थोड़ा बहुत लेके वो खुद को सुपीरियर बोल रहे थे, ठीक है, या उनसे इक्वेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल में सब रिलीजन एक हैं, ठीक है, और वो जो हैं बिलीव दैट देर आर मैनी वे टू रीच द गॉड। अब देखो कितनी मैच्योर सी बात की उन्होंने उस टाइम के हिसाब से, कि मतलब ये किसी को कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहे लेकिन ये बोल रहे गॉड को रीच करने के काफ़ी टाइम है, और जो रिलीजन है उनको इन्होंने बोला एक बड़ा सा हाथी अगर खड़ा हुआ है जो, और उसके पास में लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग और उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो जो हाथी के जिस पार्ट को वो टच करते जा रहे हैं वो उसी को अपना नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। हिंदुइज्म अगर मान लो उसकी टांग को टच करेगा वो अपने हिसाब से उसको नाम दे देगा, कोई पूंछ को टच करेगा, कोई मुंह को टच करेगा, लेकिन जो भगवान है वो एक हाथी की तरह है, मतलब उसको रीच करने के लिए आपके अलग अलग ये वेज हैं, ठीक है। तो इसमें कोई सुपीरियर इन्फीरियर कुछ भी नहीं होगा, जो आप मेथड की बात कर रहे हो भगवान को किसी भी वे से जो है अलग अलग वे से आप भगवान को गेट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब काफ़ी लिबरल वे के अंदर में इनके द्वारा चीज़ें बोली गई, और उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, ठीक है, और फिर लेटर ऑन जो है मठ से ही हमारे ओरिजिन होती है, इन्हीं की एक शाखा ओरिजिन होती है रामकृष्ण मिशन, जो कि विवेकानंद जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो हमने देखा रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, अब देखेंगे इनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे तो नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था, बाद में इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद आता है, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अब कलकत्ता के अंदर में इनका जन्म होता है जनवरी 1863 के अंतर्गत। इन्फ्लुएंस किया गया था इनको रामकृष्ण परमहंस, जिनके बारे में हमने देखा वो इनके गुरु होते थे, और ये मॉन्क बन जाते हैं, भिक्षु बनते हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में और वेस्ट में भी ट्रैवल करते हैं। तो अब इनके बारे में तो आप यहीं से समझ आ सकता है आपको कि क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे आके बोल रहे क्रिश्चियनिटी के बारे में प्रचार कर रहे, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिया के अंदर में पैदा हुआ, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं उनको लेके प्रचार प्रसार कर रहा है पूरे वेस्टर्न एरिया के अंदर में, ठीक है, और वहाँ पे जाके इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब बेसिकली अपने एरिया के अंदर में तो इन्फ्लुएंस किया पूरे वर्ल्ड में हिंदुइज्म की साख को ऊपर किया, और इन्होंने जितना नेशनल प्राइड ये लेके आए उस टाइम, जो हमारे लीडर थे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट सभी प्रभावित थे हमारे विवेकानंद जी से, ठीक है। तो ये जो थे मॉन्क बनते हैं, ट्रैवल करते हैं, और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं मई 1897 के अंदर, ठीक है, और ये 1902 के अंदर में ये बेलूर मठ में वेस्ट बंगाल में इनकी डेथ हो जाती है। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो विवेकानंद फर्स्ट स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं जो कि रिलीजन से भी बियॉन्ड चले गए। इन्होंने सिर्फ रिलीजन की बात नहीं की हिंदुइज्म इनके, बट ये उससे भी आगे चले गए। रामकृष्ण जो मिशन था उसकी जो स्थापना की गई वो था हमारे लिए, मतलब जो लोग थे हमारे उनकी सर्विस करने के लिए इनके द्वारा स्थापना की गई थी, मतलब इनके द्वारा कहा जाता था कि जो भगवान की सेवा है वो लोगों की सेवा करने से मिलेगी, ठीक है। तो ये रिलीजन से बियॉन्ड चले गए। इन्होंने नेशनलिज्म के बारे में बात नहीं की, नेशनलिज्म के बारे में, पेट्रियोटिज्म के बारे में इनके द्वारा बातें की गई, ठीक है। तो ये जो था, ही फेल्ट इंडियन मासेस को नीडेड सेकुलर
एज वेल एज स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये बोलते हैं कि जो हमारे जो मासेज हैं वो उनको मतलब नॉलेज नहीं है, बेसिकली उनको जागने की ज़रूरत है, ठीक है, वो एक निंद्रा में सोए हुए हैं, उनको जागने की ज़रूरत है। वो अपने सोशल रिफॉर्म को, अगर वो जाग गए एक बार तो अपने सोशल रिफॉर्म को भी दूर कर देंगे और जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको भी तोड़ देंगे। तो वो जो थे एक स्ट्रॉन्ग, हमारा जो पुराने जो हिंदुज़म का कंसेप्ट था जिसमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की परिकल्पना की जाती थी, उसको बनाने के लिए हिंदुज़म को एक स्ट्रॉन्ग, हम एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र बनाने की इनके द्वारा कल्पना की गई उस टाइम, ठीक है। तो ये सेकुलर बात करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत है, मतलब मासी जो हैं उनको, वो इतने ज़्यादा जो क्रिश्चियन हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंदर इतने आ चुके हैं कि अपनी वैल्यूज़ को इन्फीरियर समझ रहे हैं वो, तो नेशनलिज्म कहाँ से डेवलप होगा। और हमारी जो मूवमेंट्स हैं जो ऊपर हमारे कलकत्ता में बॉम्बे में चल रही हैं, ये क्या कर रही हैं, हमारे क्रिश्चियन मिशनरी को जवाब देने के चक्कर में इस टाइप से उनकी भी चीज़ों को अपनाए जा रही हैं। उसकी वजह से लोगों को एहसास हो रहा है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन है, रिलीजन, उसके ऊपर चोट कर रहे हैं ये, मतलब रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चोट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इनके द्वारा रिवाइव किया गया, मतलब एंशियंट वैल्यूज़ को बोला गया कि हमारी एंशियंट वैल्यू काफ़ी ऊंची है, हमारी एंशियंट वैल्यू, और जागो, देखो अपने आसपास की चीज़ों को और उन रिफॉर्म करने की कोशिश करो सोसाइटी में। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और जो कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम के ऊपर पड़ा था। और इन्होंने क्या किया, हिंदुज़म की जो असेंस थी हमारे रिलीजन की, उसको जो है इंडिया के अंदर में फैलाया, और इनसे जो था काफ़ी ज़्यादा हमारे फ्रीडम फाइटर मोटिवेटेड थे, इंस्पायर्ड थे, और ये वेस्ट में जाके इन्होंने प्रचार किया हिंदुज़म का। ये वेदांता के अंदर बिलीव करते थे, जो कि बोलता है एसेंशियल यूनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। तो वेदांता जो है, वेदांता क्या बोलता है कि जो मनुष्य है वो एक्चुअल में मनुष्य नहीं है, वो पहले से ही भगवान है, मतलब वो भगवान है, बट वो रियलाइज़ नहीं करता कि वो भगवान है, ठीक है, मतलब उसके अंदर में एक आत्मा है जिसको ब्रह्मा बोलेंगे, वो जो है वही आत्मा, उसी का सेंस हर लिविंग बींग के अंदर है, मतलब पूरे जो हमारे वर्ल्ड के अंदर में जीवित चीज़ें हैं वो सब जो है एक ही उनमें सेंस है, ठीक है, वो मतलब एक ही आत्मा से मिलके बने हुए हैं। तो उसमें कोई रिलीजन अगर आप कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो मतलब हिंदुज़म जो है वो सबको कैटर करता है, वो सबको साथ लेने की बात करता है। तो इस टाइप की चीज़ें वेदांता को इनके द्वारा फॉलो किया जा रहा था, जिसको राजा राममोहन राय ने बोला था कि ये भी हमारा रीज़न के ऊपर बेस है वेदांता। लेकिन उन्होंने वेदा को, किसने बोला था कि वेदा जो है मेन अथॉरिटी हैं, वेदा गलत नहीं हो सकते, वो बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के अंदर में पूछे जाएंगे किसने बोला था वेदास को कि वो इनफेलिबल हैं, उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा जो चीज़ें होंगी, जिनने पत्रिका लिखी, राजा राममोहन राय ने कौन सी पत्रिका लिखी, राजा राममोहन राय ने कौन से कॉलेज की स्थापना के लिए उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। सती प्रथा के लिए, एक्ट पास करने के लिए किसने जो है ज़्यादा आवाज़ उठाई उसके लिए, वो आपको पता होना चाहिए। इन्फेंटिसाइड के खिलाफ, विडो रीमैरिज के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई और उसके बाद लॉ बना, मेन चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी रट्टा मारना पड़ेगा आपको। उन्होंने कास्ट को रिमूव करने की बातें की, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बातें की, और उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया नेशनलिज्म की राइज के लिए। नेशनलिज्म के लिए विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया मासेस को अवेक करने के लिए कि उठो जागो, और जो इनके द्वारा बोला जाता है उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को अचीव ना कर लो। और इनके द्वारा बोला गया फिजिकल और मॉरल स्ट्रेंथ डेवलप करो, मतलब अच्छे कार्य करो और अपनी सोल जो होती है उसको स्ट्रांग बनाओ। और फिजिकल स्ट्रांगनेस की भी ये बात करते थे, मतलब एक स्ट्रांग राष्ट्र के तौर के ऊपर इंडिया को देखा करते थे ये, ठीक है। तो ये जो हमारे लोग हैं उनको बोलते हैं कि उठो, अपने एक तो अपनी मॉरल चेतना उसको जगाओ, और ये मत सोचो तुम इन्फीरियर हो, जो तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं वो उनसे इन्फीरियर हो या किसी और लोगों से इन्फीरियर हो। कास्ट के लिए भी यही बोलते हैं, जागो। और इनका कॉमन स्पिरिचुअल आइडिया था जो हमने वेदांता का देखा कि सभी लोग जो हैं सेम हैं, ठीक है, सभी भगवान हैं। और एंशियन जो प्राइड थी उसको वापस लेके आते हैं ये, इनके द्वारा हिंदुज़म के जो वैल्यूज़ आइडियाज़ थी उनको वेस्ट में भी अलग अलग जगह पे सेमिनार जाके इनके द्वारा लेक्चर दिए जाते हैं, मतलब जो प्राइड थी उसको, हमारे देश की प्राइड को अलग अलग देशों में जाके भी उसका परचम लहराते हैं। तो हिंदुज़म की जो ग्लोरी थी, अब हमारे मासीज थे उनके अंदर में यही प्रॉब्लम थी कि वो जो थे एक तरीके से उस प्रोपेगंडा में फंस चुके थे कि ये जो हमें ब्रिटिशर्स हैं ये सिविलाइज करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो उस प्रोपेगंडा में फंसने की वजह से उनकी जो ग्लोरी थी, उनका जो मान सम्मान था, एक मॉरल उनके पास में जो अथॉरिटी थी वो नीचे दबी हुई थी। इसी कारण से यही हमारा टाइम होता है जिस टाइम राइज ऑफ, जब हम देखेंगे एक्सट्रीमिज्म, एक नरम दल और गर्म दल, तो जब उनका जन्म होता है एक्सट्रीमिस्ट, जो उनका जन्म होता है, तो यही वाला जो हमारा पीरियड है, इस टाइम हमारा जो आर्य समाज है वो भी काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट वे में काम कर रहा है, और इसी टाइम विवेकानंद जी का भी जन्म होता है। तो इस टाइम जो थे इनसे मोटिवेशन लेके एक्सट्रीमिस्ट वाला हमारा फैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, वो तो हम आगे देखने वाले हैं। बट इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन की गई हमारे नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, राष्ट्रवाद की डेवलपमेंट में हेल्प की गई। इन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इंस्पायर किया, बहुत सारे जो नेता थे उनके द्वारा, इनका कुछ ने इनकी जो टीचिंग थी उनको डायरेक्टली यूज़ किया, कुछ ने इनडायरेक्ट वे में यूज़ किया, बट किसी ने भी अच्छे गलत तरीके से यूज़ किया। उन्होंने यूथ कंट्री को बोला कि आप फाइट करो कॉलोनियल ऑपरेशन से,
सोशल सर्विस भी करो लोगों की, और उन्होंने सुपरस्टिशन दखियानूसी बातें और वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए बातें की, मतलब एक तरीके से मॉडर्न रिफॉर्मर बोल सकते हैं उनको। इन्होंने साइंस की बातें भी की कि साइंस को प्रमोट करना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए अगर आपने डेवलपमेंट करना है कंट्री का। तो मतलब हर सेक्टर के अंदर में, दुनिया जीवन की हर सेक्टर के अंदर में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अपने विचारों को रखा गया। और उसके अलावा इन्होंने लेक्चर लिखे, इनके जो लेक्चर है मतलब इनकी बुक है कोलंबो टू अल्मोरा, ये बुक है, इनके लेक्चर की समरी है मतलब इस बुक के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे कोलंबो टू अल्मोरा किसके लेक्चर की समरी है, तो आपको पता होना चाहिए विवेकानंद जी के लेक्चर की समरी है। ऐसे छोटी छोटी पॉइंट जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके ऊपर शायद क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन, जो इनके द्वारा स्थापना की गई, उसकी 1897 के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है एज अ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो था कोई अपनी पर्सनल सेल्वेशन के लिए नहीं थी, ये लोगों को सर्व करने के द्वारा इनके द्वारा बोला गया था। रामकृष्ण मिशन स्टूड फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म भी करेंगे, रिलीजियस रिफॉर्म भी करेंगे, और उसके मतलब जो हमारा हिंदुइज्म की बेसिक सेंस थी उसको वापस लेके आने की कोशिश करते हैं ये, रिफॉर्म करके पूरी सोसाइटी को, जैसे इक्वालिटी सब कुछ लेने की बात करते हैं ये। और ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की सर्विस जो है वो गॉड की वर्शिप के बराबर है। और अगर प्रेजेंट डे में देखेंगे रामकृष्ण मिशन करता क्या है, रामकृष्ण मिशन एजुकेशन सेक्टर के अंदर में भी एक्टिव है, हेल्थ केयर के अंतर्गत इनके अपने हॉस्पिटल हैं, ठीक है, इनके नर्सिंग होम होते हैं, ऑर्फिनेज होम होते हैं इनके, फिर ये ट्राइबल एरिया में जाके उनके मदद करते हैं, ट्राइबल एरिया के अंदर में इनके प्रोग्राम होते हैं, फिर उसके बाद ये एड्स के कैंप लगा देते हैं, जैसे टीवी के कैंप लगाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया में वर्क करते हैं। जो हम बोल रहे हैं कि रिलीजन के लिए तो बात की इन्होंने, लेकिन ये सर्विस के लिए बनाई गई है, ये मेनली इसके लिए नहीं है। तो इसी लेन की ब्रांचेज जो हैं वर्ल्ड के अंदर में फैली हुई हैं। ऑब्जेक्टिव जो था पूरे रिलीजन के अंदर में हार्मनी होनी चाहिए, जैसा इन्होंने बोला सब रिलीजन जो है सेम है, जो इनके गुरु बोला करते थे कि सब रिलीजन जो है भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं, कोई सुपीरियर इन्फीरियर कुछ नहीं होता, और भगवान को रीच करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। और एक हम जो बात करते हैं, एक आइडोलिट्री की बात होती है, मूर्ति पूजा की बात होती है, तो उसके अंतर्गत जो था हमारे जो लोग थे पहले वाले जो रिफॉर्मर थे वो क्या बोल रहे थे कि आइडोलिट्री गलत है, आप गलत कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरी को देखा और वहाँ से उन चीज़ों को लेके आइडोलिट्री की तरफ अपनी चीज़ों का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस जी वो जो थे देवी काली के भक्त हुआ करते थे, मतलब वो तो खुद आइडोल वर्शिप में डूबे थे, और पहले जो थे हमारे विवेकानंद जी वो भी आइडोल वर्शिप को गलत मानते थे, लेकिन जब वो उनके संपर्क में आते हैं उसके बाद इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और इनको जब ज्ञान प्राप्त होता है, इनको समझ आता है कि चीज़ों के अंतर्गत जो भगवान को पाने के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनसे उन चीज़ों को बारे में इनको समझ आता है। और एक बार ये गए होते हैं हमारे अलवर के राजा राजस्थान के अंदर में मंगल सिंह के पास में, वहाँ पे जाते हैं, और वो जो होते हैं वो थोड़ा वेस्टर्न आउटलुक के होते हैं, मतलब वेस्टर्न आइडिया ने उनको भी इन्फ्लुएंस करके रखा था, मतलब जो ग्रास रूट लेवल से तभी टच कर पाओगे आप किसी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, अगर आप उनके लेवल के दिखोगे उनसे टच कर पाओगे, जैसे महात्मा गांधी। तो उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी हमारे मासिस के साथ में कनेक्ट करते थे, उनके पास में जाते हैं, वो थोड़े वेस्टर्न आउटलुक के होते हैं, और उनके द्वारा जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब वो स्वामी विवेकानंद जी को बोलते हैं कि ये लोग पागल होते हैं, मतलब जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये जो क्ले की बनी हुई मूर्तियां हैं, ये पत्थर के बने हुए हैं, इनमें क्या मतलब ये पूजा करते हैं, ये बेवकूफ़ हैं लोग। तो स्वामी जी इनको समझाने की कोशिश करते हैं बट ये नहीं समझते। फिर लास्ट के अंदर में स्वामी जी क्या करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, उनके मंत्री महामंत्री, उनको बोलते हैं कि इनके जो फादर की फ़ोटो है, जो मंगल सिंह के फादर की फ़ोटो है उसको, जो महाराजा उनकी फ़ोटो को उतारो वहाँ से, वो उतार के लेके आते हैं फ़ोटो को, और उसके बाद बोलते हैं कि उसके ऊपर स्पिट करो, उसके ऊपर थूक दो। तो पूरी जो सभा में बैठे होते हैं वो सभी परेशान हो जाते हैं कि मतलब ये क्या बोल दिया इन्होंने, और फिर वो राजा पूछने लगता है इनको मंगल सिंह कि ये क्या बोल दिया आपने, ये तो पापा है मेरे। तो ये बोलते हैं पापा कहाँ हैं आपके, ये तो मतलब फ़ोटो है, इसमें कहाँ ब्लड दिख रहा है आपको, कहाँ मांस दिख रहा है, और आपके पापा तो मर चुके हैं कब के। बोलता है ये तो मेरे पापा की फ़ोटो है। फिर ये इनको समझाते हैं कि जब मूर्ति की बात करते हैं तो हम मूर्ति की बात नहीं कर रहे होते, जिस तरीके से इस जो फ़ोटो है इसके अंतर्गत में आपके पापा नहीं हैं और फिर भी आप उसको मान रहे हो कि ये मेरे पापा हैं, वो तो मर चुके हैं, उनका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मान रहे हो, इसके थ्रू आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने इमोशन को अपनी फादर के साथ में। उसी तरीके से लोग जो है मूर्ति की पूजा नहीं करते एक्चुअल में, वो करते भगवान की पूजा है, वो मूर्ति जो है एज ए कनेक्टर एक्ट करती है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो उस टाइम फिर उनको भी मना लेते हैं। अब इससे जो था मतलब ये हमारी जो वैल्यूज़ थी जिनको इन्फीरियर समझ रहे थे कि मतलब ये तो इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये अपने तरीके से काम करते रहते हैं। अब अगर हिंदुइज़्म की बात करेंगे इतने सारे देवी देवता हैं, हजारों की संख्या में देवी देवता हैं, लेकिन अगर टॉलरेंस की बात करेंगे तो हर जो रिलीजन होता है अपने आसपास भी देखेंगे, पर्सन जो है कोई एक पर्सन का भी, जैसे एक गॉड का भक्त होगा, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, चौथे का भी, मतलब वो किसी एक डिसहार्मनी नहीं होती सोसाइटी में, वो हर तरीके के विचारों को ग्रहण करने के लिए जो है तैयार रहते हैं। तो उन सब चीज़ों मतलब जिन चीज़ों का विरोध कर रहे थे, कुछ चीज़ों
काफ़ी चीज़ें तो काफ़ी गलत थी, लेकिन कुछ चीज़ें उनको जो है इनके द्वारा इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में जो मासेज होते हैं उनमें एक नई चेतना जागती है कि मतलब ये तो पर्सन हमारे लिए बोल रहा है, हमारी चीज़ों को बोल रहा है। और रिफॉर्म, अगर आप किसी को प्यार से समझाओगे किसी चीज़ के लिए, तो वो रिफॉर्म ज़्यादा जल्दी करना चाहेगा, बल्कि उसको क्रिटिसाइज़ करोगे कि आप गलत कर रहे हो। इस कारण से जो था स्वामी विवेकानंद जी ने मासेस के ऊपर राज किया, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको भी इनके द्वारा इंस्पायर किया गया। और इनके द्वारा जो हमने देखा एजुकेशन, मेडिटेशन सर्विसेज डेवलपमेंट जो रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, उन वो सारी सर्विसेज इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। अब बात करते हैं हम पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आपको याद करना पड़ेगा। और ये हमारे बॉर्न होते हैं पुअर ब्राह्मण फैमिली में 1820 के अंदर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। और इनको बनाते हैं प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज 1851 के अंतर्गत। अब ये जो संस्कृत कॉलेज, आपको थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हिंदू कॉलेज की बात करेंगे, जैसा हमें पता है कि अर्लियर टाइम के अंतर्गत जो थे अंग्रेज़, वो छेड़ना नहीं चाहते थे हमारे रिलीजन के साथ में, तो उनके द्वारा जो एजुकेशन भी प्रमोट की कंपनी के द्वारा, वो बोल रहे थे कि आप क्या एस्टैब्लिश करो, इनके वाला सिस्टम ही एस्टैब्लिश करो जो इन चीज़ों को चाहिए होगा, मतलब अपनी जो लैंग्वेज है, अपने जो लिटरेचर है, उसको मत थोपो इनके ऊपर। हालांकि ट्राई कर रहे थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट इनके द्वारा ट्राई नहीं किया गया। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है डेविड हेयर के द्वारा, और उनकी मदद कौन करता है, राजा राममोहन राय। आपको पता होना चाहिए हिंदू कॉलेज के बारे में, डेविड हेयर के बारे में। संस्कृत कॉलेज की बात करेंगे, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है 1824 के अंतर्गत, और इसकी स्थापना की रिकमेंडेशन दी जाती है हमारे 24 रिकमेंडेशन दी जाती है जेम्स प्रिंसेप। ये जो पर्सन है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, मतलब ये एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन आया था, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया था। तो जेम्स प्रिंसेप ने कुछ किया था एंशियंट इंडिया के अंदर, उसके लिए इसके नाम के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि क्या किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो 1824 में इसकी स्थापना की गई थी, इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट जो थी वो 1851 में ही एंटर करवाई दी गई थी, और उसी टाइम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी यहाँ पे एंटर होते हैं। और इस जो हमारा कॉलेज था, इसके अंदर जो था नॉन ब्राह्मण को एंटर होने की इजाज़त नहीं थी। अब यहाँ पे संस्कृत कॉलेज में इनको टाइटल मिलता है विद्यासागर का, बिकॉज इनकी संस्कृत के भाषा के अंदर में काफ़ी नॉलेज होती है। अब ये जो थे स्कॉलर भी थे, रिफॉर्मर भी थे, और इनके द्वारा जो पुअर थे, ऑपरेस्ट क्लासेस, उनके साथ में डीप सिंपैथी थी इनकी। अब ब्राह्मण देख सकते हो, बट इनकी सिंपैथी थी सबके साथ में। इन्होंने क्या किया, कोशिश की कि चेंज करूं सिस्टम को, और इन्होंने पहली बार नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट को एंटर करवाया हमारे संस्कृत कॉलेज में। इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने ब्रेक कर दिया उसको, और इनके द्वारा नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट की एंट्री करवाई गई यहाँ पे। इन्होंने हेल्प किया बैथून स्कूल को एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर इसकी बात करेंगे, जो संस्कृत वाला जो कॉलेज है, ये प्रेजेंट डे में भी वहाँ प्रेजेंट है, कलकत्ता के अंदर प्रेजेंट है, और 2015 में इसको जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, इन्होंने हेल्प की एस्टेब्लिश करने के लिए बैथून स्कूल को। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, मतलब सोशल रिलीजियस मोमेंट से कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको पूछ सकते हैं जो बैथून स्कूल था वो किसने स्थापित किया। तो वो बैथून ही नाम था पर्सन का, और इन्होंने सिर्फ हेल्प की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान नहीं था उसमें, और वो फर्स्ट इंडियन गर्ल का स्कूल था 1849 के में। और इनके द्वारा जो था काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स के स्कूल जो हैं अपने पैसों के ऊपर इनके द्वारा वहाँ पे लगाए गए, काफ़ी बंद भी हो गए, लेकिन इनके द्वारा बहुत ज़्यादा ट्राई की गई। और इनको जो था इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर बनाते हैं स्कूल्स के अंदर में, इन्फेक्शन करने के लिए जाते थे, और उसी के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए। कुछ जो थे गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट नहीं की गई, तो कुछ जो थे इनके द्वारा जो था अपने पैसों से लगाए गए, और काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन इनको झेलना पड़ा। विद्यासागर जी ने ओपनली जो है एडवोकेट किया विडो की रीमैरिज को, और ये जो थे विडो की रीमैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इनके द्वारा प्रमोशन की गई, और उसके अंतर्गत सरकार को परसुएट करने में सफल हो जाते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है 1856 के अंदर, ये हम देख चुके हैं पहले भी, बट आपको पता होना चाहिए सती के लिए किसने प्रोटेस्ट किया, किसने एक्ट पास करवाया, विडो रीमैरिज के लिए किसने करवाया, इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने बहुविवाह नाम की एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी, और सोम प्रकाश एक न्यूज़पेपर लिखा, एक सत्य प्रकाश भी है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोम प्रकाश, बहुविवाह, आपको पता होना चाहिए किसने ये पत्रिकाएं लिखी हैं, और आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने जो है विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया, इन्होंने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एंड यहाँ पे जो बैथून स्कूल था उसको एस्टैब्लिश करने में इन्होंने हेल्प की। तो मतलब यही तीन चार पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारी पर्सनैलिटी आती है महादेव गोविंद राणा डे। ये जस्टिस होते थे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, ये अपर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ हेल्प टू एस्टैब्लिश, इनके द्वारा क्या, वक्रतु वक्रतुत वो तेजक सभा
वक्रतु वो तेजक सभा की स्थापना में इनका योगदान है, मतलब उसके फाउंडर है ये। पूर्णा स्वराजिक सभा, ये ऐसी सभा जो कि मतलब इनके द्वारा पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर इसका नाम देखेंगे हम फिर से, ये जो था हमारे जो लोग थे उनकी ज़रूरतों को सरकार के पास में कैसे पहुंचाया उसके लिए एज अ कनेक्टर का काम करती थी कि जनता क्या डिमांड करती है, पूर्णा स्वराजिक सभा, ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना तो इनके द्वारा नहीं की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना हमने देख लिया है दड़ोबा पांडुरंग उनके द्वारा की गई थी, लेकिन ये उसको प्रचार करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था प्रार्थना समाज को। और पूर्णा स्वराजिक सभा की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, और वक्रतुत्व वो तेजक जो सभा थी उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इनके नाम थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, क्या क्या किया था इन्होंने। जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत, और डायरेक्टिंग हिज सोशल रिफॉर्म एफर्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के लिए काफ़ी बातें की, उन्होंने जो विडोज़ होती हैं उनके हेड को शेव कर दिया जाता है पति की डेथ पे, उसके लिए विचार प्रकट किए, जो मैरिज के ऊपर फालतू का खर्चा करते हैं उसको रिड्यूस करने की बातें की, सोशल फंक्शन पे फालतू की शो ना करें, कास्ट की रिस्ट्रिक्शन को जो बाहर कोई चला जाता है जो सी को क्रॉस कर देते थे उसको बोलते थे कि उसने मतलब अपनी कास्ट लूज़ कर दी, उसका बायकॉट कर देते थे, उसके बारे में विरोध किया। इन्होंने विडो की रीमैरिज के लिए बातें की, फीमेल एजुकेशन के लिए इनके द्वारा बातें की गई। महादेव गोविंद राणाडे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और इनकी जो है फर्स्ट जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो इनके जो फ्रेंड होता है वो सोचता है कि अब वाइफ की डेथ होगी तो ये क्या करेंगे, बोलते विडो रीमैरिज करवाते हैं, तो ये क्या करेंगे विडो से शादी कर लेंगे, और विडो से शादी करके मतलब अपलिफ्टमेंट करेंगे उसकी, लेकिन ये क्या करते हैं फैमिली के विशेज़ के अनुसार ही मैरिड कर लेते हैं चाइल्ड से, ठीक है। और उसका नाम होता है रामबाई राणाडे, और लेटर ऑन उसको ये खुद ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और वो भी एक सोशल रिफॉर्मर बनती है रामाबाई राणाडे, ठीक है। तो ये रामाबाई राणाडे, कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट नॉर्मल सा आपको पता होना चाहिए, ये भी रिफॉर्मर बन जाती हैं, महादेव गोविंद राणाडे की वाइफ थी, और वुमेन के राइट के लिए ये काम करती हैं, अगर सोशल रिफॉर्म में वुमेन का योगदान पूछा तो आप नाम बता सकते हैं उनका। अब आते हैं हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, इनको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है लेकिन मेंस के लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे सत्यशोधक समाज के बारे में, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज का मतलब कि आपने सत्य की खोज करनी है, ट्रुथ को सीख करना है, ये जो था सोशल रिफॉर्म की सोसाइटी फाउंड की गई थी हमारे ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 के अंतर। ये था पर्पज़ था, पर्पज़ वाज टू लिबरेट द लेस प्रिविलेज्ड इन द प्रिवेलिंग सोसाइटी सच एज वुमेन शुद्रा दलित फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशंस। तो जो हमारे लेस प्रिविलेज शुद्रा वुमेन दलित उनकी ऑपरेशन को खत्म करना है, मतलब उनके साथ में ऑपरेशन होता था। इनकी स्टोरी देखेंगे हम ज्योतिबा फुले की, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि सत्यशोधक समाज जो था ये हमारा पुणे, आपको लोकेशन भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जैसे हमें पता है राजा राम मोहन राय कहाँ पे, जो उनका ब्रह्मो समाज कहाँ पे सिचुएटेड था, वो कलकत्ता की बात कर रहे हैं, हमारा रामकृष्ण मिशन वाला वो भी कलकत्ता के अंदर था, दयानंद सरस्वती जी हमारे बॉम्बे के अंदर, प्रार्थना समाज बॉम्बे के अंदर, तो ये भी आपको लोकेशन इनके बारे में पता होनी चाहिए। अभी तक हमने दो ही चीज़ें देखी, एक देखा हमने कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे, तो इनकी बात कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा साउथ के अंदर भी देखेंगे चीज़ों के बारे में, फिर हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में भी देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मूवमेंट कहाँ पे वर्क कर रही है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। सत्यशोधक समाज पुणे के अंदर ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापना की जाती है, और जो हमारे लेस प्रिविलेज सोसाइटी होती है उनके बारे में देखते हैं, ये सोसाइटी मतलब ये देखते हैं कितना ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है, इनके साथ में खुद ऑपरेशन होता है, और उसके बाद में ये चेंज कर देता है, इनका माइंड चेंज करता है, और ये जो है वर्क करना शुरू करते हैं। इनकी वाइफ जो थी सावित्री बाई फुले, वो जो वोमेन सेक्शन हेड करती थी सत्यशोधक समाज का, मतलब इनकी जो वाइफ थी उनको इन्होंने खुद टीचिंग करवाई थी, ठीक है, काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं ये। और प्रायर टू 1920 समाज जो था, इनकी जो डेथ हो जाती है, बट 1920 से पहले जो हमारा सत्यशोधक समाज था ये अपोज करता था नेशनल मूवमेंट को, मतलब ये बोलते थे कि जो एलिटिस्ट हैं हमारे, जो जिन पर्सन के पास में जैसे ज़मींदार वगैरह, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का पूरा तबका एक जो था मतलब एक हायर कास्ट बोल सकते हो, और जिनके पास में धन धान्य था वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, वही कांग्रेस थी मेनली, और जो हमारे मासिस थे उनके साथ में उतना कांटेक्ट नहीं था कांग्रेस के साथ में, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने ट्राई की थी थोड़ा बनाने की, लेकिन वो उस लेवल का कांटेक्ट नहीं था जो महात्मा गांधी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो महात्मा गांधी को फ्रीडम के लिए नहीं माना जाता, बट उनकी जो सेंस थी, जैसे विवेकानंद जी के बारे में बताया कि उनको उन्होंने मोटिवेट किया फ्रीडम मूवमेंट को, महात्मा गांधी जब आएंगे तो वो जाके, जब वो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे, वो जाके वहाँ पे भाषण देंगे और बताएंगे कांग्रेस को कि आपका कोई कांटेक्ट नहीं है रूरल एरिया के साथ में, तो उस टाइम उनको मानते नहीं, बट जब महात्मा गांधी जी एंटर होते हैं कांग्रेस, मतलब उनके जो मूवमेंट्स होती हैं उनके अंतर्गत वो पूरे देश के अंदर में हमारी जो लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, हिंदू मुस्लिम हर तबके के लोग,
दलित अनटचेबल सबको साथ लेने की जो काबिलियत थी, मतलब एक ट्रिमेंडस जो कैपेबिलिटी थी उनकी लीडरशिप की, उसको उसका प्रदर्शन किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, तो 1920 से पहले सत्यशोधक समाज नेशनल मूवमेंट के पक्ष में नहीं था, क्योंकि ये इलाइट के द्वारा लेट किया जा रहा है, जो धनी वर्ग है उनके द्वारा किया जा रहा है, और इसमें हमारे लिए अनटचेबल के लिए तो कुछ भी नहीं है ऐसा सोचा जा रहा था इनके द्वारा। बाई 1930 जो था चेंज हो जाता है इनका प्रोग्राम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी की लीडरशिप में ये भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का कल्ट ही कुछ ऐसा था। मेंबरशिप समाज की, मुस्लिम आ सकते थे इसमें, ब्राह्मण आ सकते थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल इसमें आ सकते थे, नॉन ब्राह्मण आ सकते थे, कोई भी इसमें आ सकता था। और फुले जो थे, ज्योतिबा फुले, खुद माली कास्ट से थे, मतलब गार्डनर जो पानी देने का काम करते हैं उस कास्ट से ये बिलोंग करते थे, जो कि हायर कास्ट नहीं मानी जाती थी, एक मीडियम काइंड की लोअर कास्ट मान सकते हो आप। दीनबंधु पत्रिका का इनके द्वारा जो था, दीनबंधु पत्रिका के थ्रू इनके द्वारा लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की गई, जो कि मराठी के अंदर थी। ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा बहुत लगा सकते हो कि अगर महाराष्ट्र के अंदर है तो मराठी के अंदर होगा थोड़ा बहुत, मतलब इससे समझ आ जाएगा आपको। दीनबंधु पत्रिका आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये पुणे के अंदर में, ठीक है, 1877 के अंदर। और दीनबंधु जो था ज्योतिबा फुले और के आर बालेकर के द्वारा जो थी दीनबंधु की स्थापना की गई, और सत्यशोधक समाज की जो विचार थे उसके द्वारा ये प्रकट करते थे। अब देखते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में पता लगता है तो फिर आपको सत्यशोधक समाज के बारे में भी पता लग जाएगा। तो ज्योतिबा गोविंद राव फुले जो थे, इनका जन्म होता है 1827 के अंदर और 1890 में ये मर जाते हैं। वास इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे, थिंकर थे, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे और महाराष्ट्र में राइटर थे। ज्योतिबा फुले बॉर्न करते हैं 1827 में, और ये एग्रीकल्चर की माली कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि एक अपर लोअर कास्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, इनका जो मतलब एक पर्सन होता है माली कास्ट से बिलोंग करता था, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो इनकी प्रतिभा को पहचानता है और इनको वैसे प्राइमरी एजुकेशन दिलाते हैं, उसके बाद इनकी एजुकेशन छुड़वा देते हैं, बट उनकी देखता है कि मतलब ये काफ़ी बड़ा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है इस पर्सन में, तो उसको लेके जाता है स्कूल के अंदर में, मतलब उसके पापा को इन्फ्लुएंस करता है और स्कूल के अंदर में हाई स्कूल दिलाता है, बाद में फिर ये इंग्लिश में स्कूलिंग करता है अपनी। और ये जो था मैरिज हो जाती है इनकी 13 साल की उम्र के अंदर, इनकी मैरिज हो जाती है गर्ल के साथ में भी। और यहाँ पे जैसे महादेव राणा डे के द्वारा अपनी वाइफ को शिक्षित किया गया था, वही सेम इनके द्वारा यहाँ पे अपनाया जाता है। टर्निंग पॉइंट था इनकी ज़िंदगी में जब 1848 के अंतर्गत ये अपने दोस्त जो कि एक ब्राह्मण था उसकी मैरिज के अंदर जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मैरिज की कस्टमरी प्रोसेशन के अंदर में, बारात वगैरह के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन लेटर इंसल्ट की जाती है जो उसके फ्रेंड होते हैं उसके पापा के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा इंसल्ट की जाती है उसकी, और वो उसको बोलते हैं कि लोअर कास्ट वालों को तो इजाज़त ही नहीं है, आप कैसे आ सकते हो मतलब इस सेरेमनी के अंदर में एंटर हो सकते हो। उसके बाद मतलब इनके दिल के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है और ये जो है देखते हैं कि इनजस्टिस कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब अपने ऊपर जब इनके ऊपर बीतती है तो ये देखते हैं कि किस तरीके से इनजस्टिस हो रहा है। उसके बाद में ये उसी टाइम जो था 23 ईयर की एज की बात कर रहे हैं ये, फुले जो है फर्स्ट जो हमारा गर्ल्स स्कूल था आनंदनगर के अंदर में क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा चलाया गया था, उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं गर्ल्स को एजुकेशन दी जा रही है, हमारे समाज में गर्ल को एजुकेशन नहीं है। उसके बाद ये रीड करते हैं उसी टाइम ये थॉमस पेन की बुक राइट ऑफ मैन रीड करते हैं। थॉमस पेन की बात करेंगे तो ये हमारे इंग्लिश फिलोसफर हैं जिन्होंने इंस्पायर किया अमेरिकन रिवोल्यूशन को, अमेरिका जो कंट्री है उनके फाउंडिंग फादर में से एक माना जाता है इनको, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन इनको। और उसके बाद में ये जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इनकी जो बुक है राइट ऑफ मैन इसी से इन्फ्लुएंस होकर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया जो है आगे निकलते हैं, उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि सभी मैन के राइट इक्वल हैं, सभी लोग इक्वल हैं, लेकिन क्यों भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ में। फिर ये रियलाइज़ करते हैं कि लोअर कास्ट के साथ में, वुमेन के साथ में, डिसएडवांटेज जो हमारे सेक्शन है उनके साथ में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है और उनके लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो इसी ईयर के अंतर्गत जब इनको जोश आएगा उसके बाद ये अपनी जो वाइफ होगी उसको रीडिंग एंड राइटिंग सिखाएंगे, इनकी वाइफ सावित्री बाई को, वो भी बाद में सोशल रिफॉर्मर बनेगी, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडिजिनसली रन स्कूल गर्ल्स के लिए पुणे के अंदर में, एजुकेशन के लिए पोइनियर होते हैं ये। उसके बाद विडो रीमैरिज के लिए ये बातें करते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्राह्मण जो वुमेन थी, ब्राह्मण प्रेग्नेंट विडो जिनको छोड़ दिया जाता था, ठीक है, जिनका बहिष्कार करते थे, या जो था डिफरेंट डिफरेंट प्रथाएं जिनकी शादी दूसरी बार नहीं करने दिया जाता था, विडो रीमैरिज नहीं होती थी, उनके लिए इनके द्वारा क्या किया गया था, उनके लिए इनके द्वारा सिक्योर पैलेस बनाया गया कि वहाँ पे बर्थ दे सकती हैं, वहाँ पे लालन पालन किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने ऑर्फेनेज होम बनाया जहाँ पे जो
इन्फेंटिसाइड से हमारे बच्चे बच्चियां बच जाएंगी, उनको वहाँ पे लेके उनका पालन पोषण किया जाएगा। और इन्होंने सोशल स्टिग्मा, अनटचेबिलिटी जैसा जो काम होता है, मतलब जैसा मैंने बताया ये थोड़ा अपर लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, तो जो इनसे नीचे वाली कास्ट थी सोशल अनटचेबिलिटी, तो इनके द्वारा अपने घर और पीने की जो जगहें थी वो ओपन कर दी गई लोअर कास्ट के लिए कि आप भी पी सकते हो। क्योंकि पुराने टाइम में इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी कि आपको एक पर्टिकुलर कुआं जिससे अपर कास्ट पानी पीती है वहाँ से आप पानी भी नहीं पी सकते, वरना वो अशुद्ध हो जाएगा। तो इनके द्वारा उसको भी किया गया। अब इन्होंने क्या किया, मतलब इनके विचारों की अगर बात करेंगे तो इन्होंने देखा कि मतलब जो एंशियंट हमारा हिंदुइज्म की बात करेंगे, उन्होंने ऑपरेशन किया, अनटचेबिलिटी लेके आया यहाँ पे, तो वो तो गलत था। उसके बाद मुस्लिम इन्वेडर आएंगे, फिर मुस्लिम मुगल वगैरह आएंगे, वो भी मतलब उतने अच्छे नहीं थे, मतलब वो भी वैसे ही जो पुराने वाले थे वैसे ही देखते हैं उनको। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिशर्स आए, मतलब क्रिश्चियंस को देखते हैं कि मतलब ये तो हमारे तारनहार हैं, मतलब ये अच्छे हैं हमारे लिए, बिकॉज ये वर्णा जो सिस्टम है जो जाति पाति में बांटा गया है इनको क्रिश्चियन नहीं देखते इसके लिए। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने बुक लिखी गुलामगिरी। आपको पता होना चाहिए गुलामगिरी किसने लिखा, मतलब गुलाम बंदा, स्लेवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्लेवरी के ऊपर बुक लिखी। और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को थैंक किया, क्रिश्चियन मिशनरी को बोला कि ब्रिटिश जो कॉलोनियलिस्ट हैं ये लोअर कास्ट वगैरह में इनमें फ़र्क नहीं देखते, मतलब ह्यूमन राइट की बातें करते हैं, तो ये अच्छे हैं। इसीलिए 1920 तक बात करते हैं कि सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, सत्यशोधक समाज जो था उसने नेशनल मूवमेंट के साथ में अपने संबंध अच्छे नहीं किए, मतलब उनको एलिटिस्ट समझ रहे थे, मतलब वो उनसे इनको कोई मतलब नहीं था, ये सोशल रिफॉर्म की बातें कर रहे थे। जब महात्मा गांधी आते हैं तो उनको जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। अब जो था 24 सितंबर 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और इन्होंने मेन काम क्या था, शूद्र दलित वगैरह उन सबको जो था समान लेके आएंगे, आइडोलेट्री को अपोज़ किया, ये राम को भी अपोज़ करते थे, डिनोंस किया कास्ट सिस्टम को इनके द्वारा, और कैंपेन किया इन्होंने रैशनल थिंकिंग और प्रिस्ट वगैरह की सुप्रीमेसी है उसको रिजेक्ट किया। ये जगह जगह पे जाते थे जहाँ पे प्रिस्ट वगैरह की जरूरत होती थी वहाँ पे बिना प्रिस्ट के जो था वो काम करवाते थे। आसपास के एरिया में काफ़ी ट्रैवल करता था इनका सत्यशोधक समाज, वहाँ पे जो था कास्ट बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ह्यूमन के वेलबींग, इक्वेलिटी वगैरह की बातें की, और एक न्यूज़पेपर दीनबंधु जो हमने पहले देखा वो समाज की वॉइस के तौर के ऊपर ये सामने लेके आए। अब आते हैं सावित्रीबाई फुले, जो कि इनकी वाइफ है। सावित्रीबाई फुले ये भी महाराष्ट्र के अंदर में रिफॉर्मर थी, फर्स्ट फीमेल टीचर इनको रिगार्ड किया जाता है, ठीक है। इनको इन्होंने खुद एजुकेशन दी थी, तो ये इनके साथ में चलती हैं। और उसके अलावा ये जो हैं वोमेन की प्लाइट को देखती हैं, कई बार सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन के बाद में वो प्रेग्नेंट बन जाती थी, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था और उनको सुसाइड कमिट करना पड़ता था, या वो अपने न्यूबॉर्न को किल कर देती थी। इसी के लिए इनके द्वारा जो था एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन हाउस इनके द्वारा स्थापना की जाती है इसकी, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। और इनकी डेथ हो जाती है, शी डाइड वाइल टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट सफरिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाइड थर्ड पेंडेमिक ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लेग। तो इनके द्वारा प्लेग हमारा 1898-97 के करीब, मतलब उस टाइम जो था महाराष्ट्र के अंदर में प्लेग काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है उस टाइम, मतलब आप देख सकते हो कि इन लोगों ने सेक्रीफाइस कर दी लिटरली अपनी लाइफ दूसरों की सेवा करने के लिए। और अगर आप बात करोगे नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थी उन्होंने क्यों बल पकड़ा, बिकॉज कास्ट के जो बैरियर थे वो कमज़ोर बनते हैं और लोग साथ में मिलने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों का जो था इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता उतना जितना हम 19th सेंचुरी के बाद में अपनी नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो इन लोगों के द्वारा काम किया गया। जैसे प्लेग की मूवमेंट के टाइम में इनमें डेथ हो जाती है इनकी, और प्लेग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्लेग वाला जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम जो था बाद में हम देखेंगे छापेकर ब्रदर थे उनके द्वारा प्लेग ऑफिसर था, मतलब वो बोलते कि उसने वो कंट्रोल नहीं कर पाया उसको और उसको उनकी हत्या कर देता है, और तिलक जो है उनको सपोर्ट करता है, उसके चक्कर में तिलक को भी इस टाइम जो है जेल होती है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, कुछ इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं बाल शास्त्री जामेदकर। बाल शास्त्री जामेदकर जी ये जो हैं फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म बोलते हैं, तो इनके बारे में दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म क्योंकि इनके द्वारा फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर दर्पण लेके आए, तो आज भी इनको मराठी जर्नलिज्म के फादर के तौर के ऊपर जाना जाता है। एंड ये जो थे इनको पता था कि मतलब एक न्यूज़पेपर है जिससे मैं अपनी जो विचार है उनको प्रकट कर सकता हूँ, लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, तो इनके द्वारा दर्पण न्यूज़पेपर का यूज़ करके इशू जो थे विडोरी मैरिज जैसे इशू इनके द्वारा मासिक को अवेकन करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली एक सीक्रेट सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी जो कि 1849 के अंदर बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना किसने की वो इम्पोर्टेंट है, मेहताजी दुर्गारम के द्वारा और तड़ोबा पांडुरंग, तड़ोबा पांडुरंग के द्वारा फ्यूचर के अंदर में हमारी प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इनके द्वारा स्थापना की जाती है, इसके बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कहाँ पर प्रेजेंट है, किसके द्वारा की गई, काम क्या करते थे। ये एक गॉड में बिलीव करते थे, ठीक है, ये मल्टीपल गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते थे, एक गॉड की बातें किया करते थे ये। और इनकी जो मीटिंग होती थी उनमें ये लोअर कास्ट से
इनकी मीटिंग में लोअर कास्ट से जो फूड कुकड़ होती थी उसको ये उसका सेवन करते थे, मतलब एक तरीके से कास्ट के बैरियर वगैरह उनको ख़त्म करने की कोशिश करते थे। तो इनके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल पता होने की ज़रूरत नहीं है। बॉम्बे नाम याद करना पर्सन का, और उसके बाद में इस फैक्ट से थोड़ा बहुत याद हो जाएगा कि करते क्या थे एक्चुअल में ये। अब बात करते हैं गोपाल हरी देशमुख। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बोलते थे लोकहितवादी। इनके द्वारा महाराष्ट्र के अंदर थे, महाराष्ट्र के अंदर जो एक वीकली हमारे पास में पब्लिशन आती थी प्रभाकर, उसके अंतर्गत ये लोकहितवादी के नाम से प्रचार करते थे अपने विचारों का। ये बताते थे चाइल्ड मैरिज, वुमेन एजुकेशन, डॉरी एंड पोलीगेमी, मतलब हर चीज़ों का विरोध करते थे। उसी के नाम पर इनका नाम लोकहितवादी पड़ता है। तो आपको नाम पता होना चाहिए लोकहितवादी किसको कहा जाता है। तो ये जो थे सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के, इन्होंने अटैक किया हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड जो भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। बस एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लोकहितवादी किसको कहते थे महाराष्ट्र के अंतर्गत, क्योंकि इन्होंने न्यूज़पेपर में उस नाम से जो था प्रचार प्रसार किया था। तो अभी तक हमने कुछ मूवमेंट के बारे में देखा, अभी कुछ मूवमेंट हमारी बच जाती हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।